अगर आप कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं, जैसे कि आप एमएस वर्ड में कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं या कोई एग्रीमेंट बनाते हैं या कोई और डॉक्यूमेंट आप कंप्यूटर पर रेडी करते हैं, तो उस पर सिग्नेचर करने के लिए उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस पर ऑनलाइन सिग्नेचर कर सकते हैं। इसको कहा जाता है ई सिग्नेचर। ई सिग्नेचर पूरी तरह से वैलिड होता है। जैसे कि आप किसी डॉक्यूमेंट पर हाथ से सिग्नेचर करके बाउंड हो जाते हैं, तो वैसे ही आप ई सिग्नेचर करके भी बाउंड हो जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ई सिग्नेचर करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ई सिग्नेचर के लिए काफी सारे वेबसाइट्स हैं, लेकिन पर्सनली मुझे कोकोसाइन काफी पसंद है, क्योंकि ये काफी सिंपल और सिक्योर है और इसमें ऐसे ढेर सारे फीचर्स दिए गए हैं जो दूसरी वेबसाइट्स पर आपको बहुत ही कमी के साथ मिलेंगे। इसमें आप आसानी के साथ सिग्नेचर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिग्नेचर अपलोड करके भी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए आप यहाँ साइन ए पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट चूज करेंगे जिस पर आप सिग्नेचर करना चाहते हैं, उसकी एक्सटेंशन पीडीएफ, पीएनजी, जेपीजी, डॉक, एक्सेल फाइल कुछ भी हो सकती है, या फिर आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या वन ड्राइव से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर से चूज करूंगा चूज फाइल। मेरे पास ये एक फॉर्म है, इसको मैं साइन करूंगा, तो इसको हम सिलेक्ट करके ओपन करेंगे। अगर सिर्फ आपको साइन करना है तो आप इस पर टिक कर दीजिए, लेकिन अगर आपके साथ साथ किसी और को भी साइन करना है तो आप इसको अनचेक रखेंगे। चलिए मैं इसको चेक कर देता हूं, क्योंकि मुझे ही साइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट, आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और साथ ही राइट साइड में आपको टूल्स मिल जाएंगे, तो जहां पर भी आपको सिग्नेचर करना है आप टूल्स में से सिग्नेचर उठाएंगे और वहीं ले जाकर के रख देंगे जहां पर आपको सिग्नेचर करना है। जैसे कि मुझे यहां पर करना है, तो यहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपके सामने ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें आप सिग्नेचर टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर अपना नाम टाइप कर देता हूँ, तो इसमें काफी सारे सिग्नेचर आ जाएंगे। आप कोई भी सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव करेंगे तो वो यहाँ पर देखिए इंसर्ट हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम फिर से यहाँ पर सिग्नेचर रखेंगे जहां पर भी करने हैं, और फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, तो इसमें आप ड्रॉ वाला ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसमें आप सिग्नेचर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आप सिग्नेचर ड्रॉ करेंगे जो भी आपको करना है अपने डॉक्यूमेंट पर। अगर आप चाहें तो अंडू कर सकते हैं और क्लियर करके आप फिर से यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, और सिग्नेचर करने के लिए जस्ट आप सेव पर क्लिक करेंगे, आपका सिग्नेचर इंसर्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, क्योंकि मैं आपको एक और तरीका दिखाऊंगा। तो हम यहां पर सिग्नेचर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड ऑप्शन है अपलोड। अगर आप चाहें तो अपने खुद के सिग्नेचर एक पेपर पर करके उसका फोटो क्लिक करके आप उसको यहां से अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने आपके सिग्नेचर आ जाएंगे, आप यहां पर उनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद ओके, और आपके सिग्नेचर यहां पर देखिए प्लेस हो जाएंगे इस तरह से। इसमें आपको और भी टूल्स मिल जाएंगे, जैसे कि आप कोई टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, डेट एंड टाइम प्लेस कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप कोई अटैचमेंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको जितने पेजेस पर भी सिग्नेचर करना है इसी तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड पेज पर करना है तो इसमें भी सिग्नेचर जहां पर करने हैं इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, सिग्नेचर चूज करेंगे और सेव। तो देखिए सिग्नेचर हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपको एक फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना है, मैं गूगल के थ्रू साइन इन कर लेता हूं। इसके बाद जस्ट आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है। इसको हम अनजिप करेंगे तो इसमें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, और इसको आप देख सकते हैं साइन हो चुका है, और साथ ही हमने सेकंड पेज पर भी सिग्नेचर किए थे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसके लिए आप अपने अकाउंट में आएंगे तो आप देख सकते हैं सेंड फॉर सिग्नेचर। अगर आपको किसी से कोई डॉक्यूमेंट साइन कराना है तो आप सेंड फॉर सिग्नेचर फीचर का यूज करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं ये डॉक्यूमेंट चूज कर लेता हूँ, इनवॉइस ओपन करेंगे, जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, इसमें यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। अगर आप चाहें तो कोई प्राइवेट मैसेज भी ऐड कर सकते हैं, इस मैसेज को बीच में कोई भी रीड नहीं कर पाएगा। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को ये डॉक्यूमेंट सेंड करना है तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, सेकंड पर्सन की ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, इसके बाद यहाँ पर उसका नाम डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। डॉक्यूमेंट में जहां पर भी आपको सिग्नेचर कराने हैं जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट पर्सन से सिग्नेचर यहाँ पर कराने हैं तो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे,
और सेकंड पर्सन चूज करेंगे और इसमें हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें आप यहाँ पर कोई मैसेज ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर आप डेज डाल सकते हैं, कितने डेज में इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद सेंड, आपका डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। जिस पर्सन को आपने सेंड किया है इस तरह से उसको एक ईमेल मिल जाएगा, इसको वो ओपन करेगा। जो भी आपने प्राइवेट मैसेज ऐड किया था वो उसको यहाँ पर मिल जाएगा और वो स्टार्ट साइनिंग पर क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को साइन कर सकता है। देखिए यहाँ पर हमने प्लेस ऐड की थी कि यहाँ पर उसको सिग्नेचर करने हैं, तो यहीं पर वो सिग्नेचर कर सकता है। उसको इसमें तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे, वो टाइप भी कर सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ, तो देखिए इसमें से कोई भी एक चूज कर सकता है या फिर ड्रॉ कर सकता है इस तरीके से, या फिर अपलोड भी कर सकता है। तीनों ऑप्शन उसको मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हमें टाइप करना है तो यहाँ पर हम चूज कर लेंगे और सेव। तो देखिए यहाँ पर सिग्नेचर हो चुके हैं। इसके बाद जस्ट वो यहाँ कंप्लीट पर क्लिक करेगा तो देखिए डॉक्यूमेंट साइन हो चुका है। अगर कोई आपको सिग्नेचर के लिए डॉक्यूमेंट सेंड करता है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा और यहाँ से आप साइन कर सकते हैं। और अगर आप किसी को सेंड करते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि हमने सेंड किया हुआ है दो लोगों को, तो इसमें से एक सिग्नेचर कर चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और दूसरे के लिए अभी ये वेटिंग में है। जैसे दोनों सिग्नेचर कर देंगे तो आप यहीं से डाउनलोड पर क्लिक करके इस कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं एक पर्सन ने सिग्नेचर कर दिए हैं, जब दूसरा सिग्नेचर कर देगा तो वो भी यहाँ पर शो होंगे। जितने भी साइन कंप्लीट हो जाते हैं वो आपको यहाँ कंप्लीटेड में मिलेंगे और यहीं से आप डाउनलोड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको खुद किसी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करना है तो आप साइन योर सेल्फ वाला ऑप्शन चूज करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इसके बाद इसमें आप चेक कर देंगे आई एम द ओनली साइनर और नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएगा और राइट साइड में आपको टूल्स मिल जाएंगे। तो जहां पर भी आपको सिग्नेचर करना है जस्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपने जो पहले सिग्नेचर किया था वही आ जाएगा। लेकिन अगर आपको चेंज करना है तो डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने वही सब ऑप्शंस आ जाएंगे। आप टाइप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम अगर आप चाहें तो अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं, जिसके लिए आप अपग्रेड नाउ पर क्लिक करेंगे और यहां से आप चूज कर लेंगे आपको एक मंथ के लिए चाहिए, वन ईयर के लिए चाहिए या आपको बिजनेस प्लान चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एक मंथ के लिए चाहिए तो वन मंथ चूज करेंगे। इसमें आप पिन कोड डालकर कंटिन्यू करेंगे और पेमेंट करेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका प्लान अपग्रेड हो जाएगा। इसमें आप टेम्पलेट्स पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे। आप किसी भी टेम्पलेट को यहाँ पर देख सकते हैं। प्रीव्यू पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने टेम्पलेट आ जाएगा। आप यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूज टेम्पलेट पर क्लिक करके उस टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक टेम्पलेट है तो इसमें आपको कुछ भी फिल करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे और इसमें आप लिख सकते हैं इसी तरह से डेट एंड टाइम, और आप सिग्नेचर भी इसमें ऐड करके यहीं से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर ऑनलाइन ई सिग्नेचर करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप खुद सिग्नेचर करके किसी दूसरे को भी सेंड कर सकते हैं सिग्नेचर कराने के लिए।